हे हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 के प्राइवेट कंपार्टमेंट पत्राचार और इम्प्रूवमेंट वाले सभी छात्रों का रिजल्ट आ चुका है। और रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इससे जो है छात्र जो 70-80% छात्र असंतुष्ट है। जो मैंने एक पोल डाला था उसके हिसाब से दोस्तों 80 से 80% जो छात्र है कम से कम इस रिजल्ट से नाखुश दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है और वो मान रहे हैं कि जो सीबीएसई ने उनके साथ जानबूझकर ऐसा किया है। और छात्र लगातार परेशानी में, उनकी जो कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है और छात्र सोच में है वो करे तो क्या रहे, क्या और क्या क्या रहे और क्या ना करें, क्योंकि छात्रों का भविष्य का सवाल है। उन्हें एडमिशन लेना है कॉलेज में, स्कूल्स में, उन्हें अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहे हैं, स्ट्रीम नहीं मिल पा रही है, तो इस वजह से छात्र बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। और छात्रों को इसको लेकर बहुत सारे सवाल भी हैं। और दोस्तों देखो, मैं आप सभी के सवालों को लेकर आज सीबीएसई ऑफिस जाने वालों में, जैसे मैंने आप सभी से पहले कहा था कि आज आप सभी जितने भी डाउट हैं कि सर हम जो हमारी जो पहले वाली मार्कशीट रहेगी क्या वो फाइनल हमारी हो जाएगी, जो जुलाई का रिजल्ट आया था क्या वो सही में स्कूल वाले हमें देंगे या बस ऐसे ही है, तो मैंने आप सभी से कहा दोस्तों मैं आप सभी जितने भी सवाल हैं, चाहे वो मार्कशीट के लेकर हो, चाहे आरटी के लेकर हो, चाहे एब्सेंट के लेकर हो, सभी चीज़ों के सवालों के जवाब दोस्तों आज मैं आप सभी के सामने लेकर आऊँगा। और मैं आज सीबीएसई ऑफिस जा रहा हूँ दोस्तों, अपने सारे काम छोड़कर आप सभी के लिए, अपनी क्लासेस बंद करके, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप सभी की बात वहाँ पर रख सकूँ और उनसे जवाब तलब कर सकूँ, ताकि आप सभी को जो सटीक जानकारी प्रदान कर सकूँ। क्योंकि यूट्यूब पे दोस्तों जो है क्वेश्चन के भरमार, परंतु आपको जवाब कोई नहीं दे पा रहा है, क्योंकि अब जवाब इसलिए कोई नहीं दे पा रहा क्योंकि दोस्तों लोगों को मतलब निकल चुका है, ठीक है, लोगों के सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं, जो उनको चाहे व्यूज चाहिए वो मिल चुके हैं, तो ऐसे में आपको कोई सुनने वाला नहीं है। और मैंने हमेशा पहले से कहा है कि आप की मदद आपसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता और आपको ही अपने लिए खड़ा होना होगा, कोई दूसरा आपके लिए खड़ा नहीं होगा। हालांकि बहुत से जो एडवोकेट जैसे ममता शर्मा है और ये सब जो वकील है, उन्होंने आपके लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, उनको भी सपोर्ट कीजिए ताकि उनकी जो आवाज़ है उसमें ज़्यादा कठोरता या कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा दम तभी हो पाएगा जब आप लोग सभी तरीके से उनको सपोर्ट करेंगे, आप मुझे सपोर्ट करेंगे, तो ऐसे सभी चीज़ों को लेकर दोस्तों चल रहा होगा, ताकि साथ रहकर हम साथ मिलकर काम कर सकें और जो भी आप लोगों की दोस्तों परेशानी, उन परेशानियों को समाप्त करने में हम आपका जो है मदद कर सकें। क्योंकि देखो, अगर हम कलेक्टिव फॉर्म में होंगे, इकट्ठे होंगे, तभी कुछ हो सकता है, छिटपुट तरीके से कोई काम नहीं होता है। आप देख सके हैं, अब पहले प्राइवेट वाले बच्चों का भी हाल देखा आपने, इसके अलावा जो आपके एग्ज़ाम होने वाले थे उसका भी हाल देखा, क्योंकि कम लोग थे, तो इसलिए सीबीएसई ने उस बात को नहीं माना और लगातार पिटीशन और जो डाला जा रहा है कोर्ट में, तो वो बस हेयरिंग तो होती है बट उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, कई बार तो सुप्रीम कोर्ट उसको नकार भी देता है। तो ऐसे में हमें कलेक्टिव फॉर्म में आना होगा। तो दोस्तों आप वेट कीजिए, आपके जितने भी डाउट हैं वो आज दोस्तों शाम तक मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और आज शाम को वेट कीजिए, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।